हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला कश्य आप लोग, उम्मीद कर लूँ कि सब लोग ठीक है नला। मैं ना बिल्कुल ठीक छूँ और अभी आई हूँ ऊपर हरी मिर्च तोड़ने के लिए। मम्मी पापा कोई है नहीं अभी ऊपर, तो हरी मिर्च तोड़ते हैं। इस वाले पेड़ से तोड़ रही हूँ, इसी वही हो रहे हैं हरी मिर्च थोड़ा सा सही, और बाकियों का मुझे पता नहीं है कहाँ पर है। और देखिए, लौकी का बेल इतना फैल तो रखा ना, लेकिन सच में इसमें लौकी बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। अब हो सकता है मम्मी पापा इसको काट देंगे कुछ दिनों में, अगर नहीं होंगी तो। चलिए फिर हरी मिर्च तोड़ती हूँ। फिलहाल मैं आ गई हूँ ऊपर से हरी मिर्च तोड़ करके। हाँ, तो बनाते हैं खाना। आज बना रही हूँ भटकी चुड़कानी और चावल। मम्मी शायद रोटी खाएंगी, तो मम्मी कह रही थी भटकी चुड़कानी के साथ रोटी खा लूँगी, तो अपने लिए पापा के लिए बनाती हूँ चावल। हाँ, मौसम ना इतना उमस वाला हो रहा है, मतलब बारिश आ जाती तो सही था यार, काफ़ी गर्मी हो रही है। मतलब धूप दिख नहीं रही है, देख रहे हो, धूप दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत उमस हो रही है। तो चले फिर करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। हे एवरीवन, तो अभी बज रहा है शाम के 4:15। बस अभी उठ ही रही हूँ, मतलब 4 बजे उठ गई थी। उठ के बस अभी पानी पी रखा है और एक फ्रूट खाया, नाशपाती खाया। और फल तो आजकल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, नाशपाती और सेब से ही लग रहा है, तो नाशपाती खाया भी। अब आटा गूंथती हूँ और सब्जी बनाती हूँ। सब्जी तो आज पता नहीं कि क्या बनाना है, शायद आज हरी सब्जी बनाएंगे, तो मम्मी तोड़ के रखेंगी ऊपर, तब तो मैं प्याज काट के तैयार रखूंगी और आटा गूंथ लेती हूँ। जब घूम के आ जाऊंगी ना 7 बजे, 7:15 7 बजे तक मैं आ जाती हूँ घूम के, सीधा हरी सब्जी चढ़ाऊंगी और एक गैस पे रोटी बनाऊंगी, आराम से बन जाएगा। हरी सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। तो चलिए फिर मैं जल्दी से ना आटा गूंथ लेती हूँ और प्याज काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे रेडी हो गए, क्योंकि मुँह हाथ धोना। और जो ये इस टाइप की ए लाइन वाली कुर्ती है ना, ये जो ए लाइन वाली कुर्तियाँ होती हैं, तो ये आजकल ना मुझे टाइट हो जा रही है टमी से, मतलब मुझे फिट नहीं आ रही। सुबह तो मैंने पहन लिया ऐसी, अभी मैं कपड़े चेंज कर लूंगी क्योंकि मुझे टाइट हो जा रही है आजकल। वैसे ऊपर से तो लूज है ना, लेकिन टमी एरिया से थोड़ा सा टाइट हो जा रही है। फिलहाल आज बारिश भी आई, पानी भी आ ही रखा है। बारिश उतनी तेज नहीं आ रही, लेकिन उमस इतनी ज्यादा हो रही है ना आजकल, क्या ही बता दूं आपको। बारिश हुई, उतनी बारिश नहीं हुई कि मौसम ठंडा करने लायक, और उमस तो इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब आप मेरा बाल देख सकते हो कितने चिपचिपे से लग रहा है। कल ही भी हेयर वॉश किया हुआ है मैंने, और ऐसा लग रहा है कि तेल डाला होगा, इतना मतलब सर गीला रह रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है आजकल ना, मैं पंखा चला रही हूँ ना, तो मेरे हाथ पाँव में दर्द हो रही है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, और पीठ के नस में भी दर्द हो जा रही है। तो मैं पंखा ही नहीं चला रही हूँ, रात को तो मैं बिल्कुल नहीं चला रही हूँ। आज मैंने दिन में चलाया कि उमस होती बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा दिन में चला लेती हूँ, और मेरे ना कमर के नस में इतना दर्द हो गया, मैंने यार पंखा चलाना ही नहीं अपने यार बैठा, तब भी गर्मी सहन कर लो, तो इसी वजह से ना मेरा सर गीला हो गया पसीने से, पंखा बंद कर दिया क्योंकि नसों में बहुत दर्द हो जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल ये पंखे के साथ, पंखे के साथ ही हो रहा है, पंखा तो हमेशा ही चलाती थी, मेरे साथ हो रहा है ऐसा। तो चलिए फिर मैं जल्दी से काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आटा गूंथ के मैंने रख दिया है, ढक्कन लगा दिया है इसमें, और प्याज काट दिया है, ये देखिए प्याज भी काट दिया। और मैं आपको बोल रही थी ना कि सब्जी क्या बनाऊँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है हरी सब्जी बनाऊँ, तो अगर मैं हरी सब्जी के लिए काट रही थी तो लंबा काटती, अभी छोटे छोटे पीसेस में मैंने क्यों काटा है अभी दिखाती हूँ। तो सब्जी नहीं थी आज घर पे, तो मम्मी ने पापा को भेजा सब्जी लाने के लिए, तो पापा लेके आए हैं मशरूम, ये देखिए 2 डब्बे लेके आ गए, तो मैंने बोला कि 2 डब्बों की जरूरत क्या थी, तो देखिए 2 डब्बे लेके आए, हम 3 लोग हैं, एक ही डब्बे से हो जाएगा हमारा। तो एक काम करूँगी, जो ये पूरा पैक वाला है इसको फ्रिज में रख दूँगी, कल बना लेंगे, फिर बासी हो जाता है, बासी मैं खाती नहीं हूँ इतना ज़्यादा। और ये लेके आए हैं मूली, आलू मूली बनेगा इसका, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे इसकी स्मेल ही बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मेरे मायके में मैं मम्मी लोग भी खाते हैं, यहाँ भी मम्मी पापा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। और मिर्च लेके आए हैं, मैंने कहा मिर्च क्यों लेके आए, मिर्च तो घर में हो रही थी,
लेकिन ये है कि मिर्च भी घर में उतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि इतने दिन चल जाए। तो ये सब कुछ है। अब इनको, इसको तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ ऐसे ही, इसको धो करके रख देती हूँ, इस वाले डब्बे को उसको फ्रिज में रख दूँ, इसको धो देती हूँ। मूली को भी धो करके फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ना पिछली बार हम जो मूली लेके आए थे वो जो उसके ऊपर से टिप से सड़ गई थी, तो इनको धो करके फ्रिज में रख देती हूँ। और फेस मैंने वॉश कर लिया है, जल्दी से तैयार होकर फिर मिलती हूँ आपसे। अभी अभी चाची का कॉल आया है कि वो मेरे लिए कुछ भेज रही हैं खाने के लिए, तो मैं जल्दी चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। और पता है कल मैं बोल रही थी मेरी गोल्डन वाली चुन्नी नहीं मिल रही है, वो पता है मिल गई। कहाँ पर थी पता है? ये वॉश बेसिन में टॉली के बगल पे यहाँ पर। मतलब मुझे मिली नहीं वो, तो आज सुबह मम्मी ने नोटिस किया। मम्मी कह रही ये तो है तेरी चुन्नी। मैंने कह रहे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो गेट पे अम्मा आ रही है, मतलब चाची अपनी सासू जी को भेज रही है। चलते हैं बाहर। वैसे तो मुझे लग रहा है कि शायद ब्रेड पकौड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं चाची बोल रही थी कि ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, देखते हैं क्या है। मैं जाती हूँ गेट पर। नक्कू चाची का बेटा है, इस गली में है चाची का घर। चाची का फोन आया कि अम्मा निकल गई है। वो देखो अम्मा ने लग गई, देखते हैं क्या लाते हैं आज। हाँ बेला ब्रेड पकौड़ा बना रखे। ओके धन्यवाद। मैं बोल रही थी ना ब्रेड पकौड़े बनाए होंगे, ये देखे ब्रेड पकौड़ा ही बना रखा है। खुशबू अच्छी आ रही है। अब ना इसमें देखती हूँ कितने ऊपर लेके जाती हूँ। मम्मी पापा और मैं तीनों साथ में खाएंगे, अभी गरम गरम हो रहा है ना। हाँ दो हैं, हमारे लिए हो जाएगा। हम इसको ऊपर लेके जाती हूँ जल्दी से, ठीक है? ऊपर ही खाते हैं हम तीनों, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। यहाँ का दरवाजा बंद कर देती हूँ, इतने मच्छर आ रहे हैं यहाँ से, मैं क्या बताऊँ। पहले मशरूम धो लेती हूँ जल्दी से, फिर ऊपर जाती हूँ। मशरूम धो ही दी थी, ये चाची का कॉल आ गया था। तो मशरूम धो दिए मैंने और लॉक भी लगा दिए हैं। चलते हैं ऊपर, अभी आ जाऊंगी क्योंकि मुझे रेडी भी होना है ना घूमने के लिए। इसमें ब्रेड पकौड़ा और ये दूध की बाल्टी, तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर। हाँ मैं ऊपर आई हूँ और मम्मी पापा है ही नहीं घर पे, ताला लगा है। और ठंडे हो जाएंगे अब, मुझे अकेले खाने पड़ेंगे, है ही नहीं मम्मी पापा ऊपर। मैं ऊपर गई, मम्मी पापा नहीं है ऊपर, और इसमें कवर अभी भी नहीं लगाया। कवर मम्मी सिल के ला गई ये है, अब इनमें कवर लगाना है। मैंने ऊपर गई, मम्मी पापा नहीं है और ये ठंडे हो जाएंगे, मुझे अकेले खाना पड़ेगा। देखते हैं चाची ने कैसे बनाया है। वाओ देखिए चाची ने, थैंक यू चाची। बहुत टेस्टी लग रहा है, मजा आ गया। शाम के टाइम पे वैसे हल्की भी भूख लगी जाती है ना। चाची छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो जिद करते रहते हैं बनाने के लिए, तो चाची शाम को कभी कुछ बनाते रहती है। मैं सोच रही हूँ एक तो मैं खा ले रही हूँ, एक को ना पैक करके रख देती हूँ, मम्मी पापा शाम को तवे में सेक के खा लेंगे। ये कर सकते हैं ना, अकेले खाना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भी। तो 6 बज गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, ब्रेड पकौड़ा भी खा लिया, मम्मी पापा के लिए रख दिया है, और चलते हैं घूमने के लिए। तो मौसम कुछ भी हो सकता है, बारिश भी आ सकती है, छाता ले आती हूँ जल्दी से। छाता ले आई हूँ, जल्दी से लॉक लगा देती हूँ। चाची आ गई, क्योंकि चाची का कॉल आया था। तो चलिए चलते हैं। अरे यार चुन्नी ना आगे करनी पड़ती है, मैं भूल जाती हूँ। हाँ आ गई, बस अब सही है।
उससे पेट कवर हो जाता है ना। हेलो, थैंक यू खिलाने के लिए। मैंने क्या गरम गरम दे आती हूँ, फिर भी ठंडे हो गए ना। नहीं नहीं गरम हो रहे थे। चलो चलते हैं। बंदरों का आतंक हो रहा है यहाँ पे। काटे भी आते रहे, बारिश के छींटे भी आ रहे। चलो नीचे को। चलो 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 जब भी बारिश होती है मैं याला सूट पहन के लिए आती हूँ, मतलब वो खुली हो जाती है। जब मैं याला सूट पहनती हूँ उस दिन बारिश पक्का होती है। फिलहाल बारिश स्टार्ट हो गई और हमने घर की तरफ हम मुड़ गए हैं। चाची गेरी रुक जाते हैं, उनके चलो जल्दी जल्दी पहुँच ही जाएंगे। तो 7:15 हो गया है, घूम फिर के आ गई हूँ मैं। मतलब आज आधा ही घंटा घूमे, ज़्यादा नहीं घूमे क्योंकि बारिश आने लग गई थी। अभी तक मैं ऊपर थी क्योंकि मैं ऊपर लहसुन छील रही थी मशरूम की सब्जी के लिए। अब हल्की हल्की ना बारिश से छींटे आने लग गए। चले चलते हैं। तो 8:30 हो गया है, खाना पीना हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और आज भोपाल जी का कमेंट आया था कि भूत बंगला क्या है। तो भूत बंगला मतलब जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, मतलब मैंने ना अपने 3-4 वीडियो पहले या 4-5 वीडियो पहले दिखाया था जब मम्मी हमारे साथ घूमने आती थी, तो तब की वीडियो मैंने दिखा रखा है भूत बंगला। तो ऐसा कोई भूत बंगला नहीं है वो बस क्या है कि एक बिल्डिंग है, तो जिस किसी ने भी उसे बनाया होगा तो आधे में छोड़ के चले गए। तो बोलते हैं कि वहाँ पे कोई आता नहीं, अगर कोई आता है तो आधे से छोड़ के चला जाता है, इसलिए वो खाली पड़ी हुई है पूरी बिल्डिंग। छत भी डली हुई है, सब कुछ हुआ है उसमें, लेकिन कोई नहीं आता जाता, पूरे अंदर घास ही घास जमी हुई है, तो इसलिए उसका नाम भूत बंगला। मैंने तो जब से शादी हुई मैंने भूत बंगला ही सुना है, इसलिए मैं भूत बंगले के नाम से उसे जानती हूँ, और बाकी ऐसा कुछ ही नहीं है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ कोई नहीं आता जाता है, यह है भूत बंगला। और अगला कमेंट आया था कवि बिष्ट जी का, तो इनका कमेंट है, बहुत ही बढ़िया पूनम जी, ज़्यादा भीगना मत, ख्याल रखना अपना। तो थैंक यू सो मच, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि बारिश में ना भीगूँ। अब कभी अचानक आ जाती तो कुछ छींटे आ जाते, वरना मैं हमेशा अपने साथ छाता कैरी करके जाती हूँ। तो आगे ये बोलती हैं, अच्छा तुम्हारा एक देवर भी है ना, तो वो कहाँ है, कभी दिखते नहीं ब्लॉग में। तो वो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, तो छुट्टियाँ कम मिलती हैं इसलिए छुट्टी कम आते हैं वो। तो आप जब भी आएंगे तो मैं पक्का मिलाऊंगी आपको। मतलब पहले तो यही थे, अभी हो गए उनको 4 महीने या 3-4 महीने तो हो गए होंगे, तो नहीं है, बीच में छुट्टी आते हैं लेकिन कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। शायद बीच में जब आई थी तो मैं मायके गई हुई थी, इसलिए आप लोग को वीडियो में कम दिखाई देते हैं। अब जब भी आएंगे तो मैं पक्का दिखाऊंगी आपको। तो इतने क्वेश्चन थे। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।